स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। नमस्कार, मैं श्रेष्ठ यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। मैं आप सभी का एक बार फिर से इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर सीरीज़ के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रॉ डेटा से ग्रुप डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफॉर्म करके रॉ डेटा से एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन गैदर करने की प्रक्रिया का डिस्कशन किया था। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में, इस क्लास में हम लोग रॉ डेटा से डेटा प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। डेटा प्रेजेंटेशन वो मेथड है जो हमारे रॉ डेटा को हमारी ऑडियंस से कनेक्ट करता है। जो हमारी ऑडियंस है वो हमारे रॉ डेटा में, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में इंटरेस्टेड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो रॉ डेटा रिसर्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है, रिसर्चर के लिए एक एसेट है, क्योंकि वो हमारे रिसर्च की प्रॉब्लम और हमारी हाइपोथेसिस और हमारे रिसर्च का एक एसेंशियल पार्ट है। लेकिन ऑडियंस और बाकी लोग हमारे रिसर्च और हमारे रिसर्च की पूरे प्रोसेस में ना होकर हमारे रिसर्च की फाइंडिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के साथ साथ हमारे रिसर्च फाइंडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। उनके लिए हमारी रिसर्च फाइंडिंग ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम हमारे रॉ डेटा को, हमारे वैल्यूज़ को हम किस प्रकार से हमारी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकें ताकि वो उस डेटा का मीनिंग और इन्फरेंस गैदर कर सकें, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से हम शुरुआत करते हैं कि हमारे रॉ डेटा को हम किस प्रकार ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ताकि वो हमारी ऑडियंस के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हो सके। चलिए, तो आज के लेक्चर का टाइटल है मेथड्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, प्रदत्त के प्रस्तुतिकरण की विधियां। इसमें हम लोग सबसे पहले आज चर्चा करेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसकी आवश्यकता। जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो हमारा रॉ डेटा है वो हमारे प्रयोगकर्ता या रिसर्चर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी रॉ डेटा के बेसिस पर हम अपनी रिसर्च की फाइंडिंग को ऑब्टेन कर पाते हैं। लेकिन वो रिसर्च की फाइंडिंग हम किस प्रकार नॉर्मल पॉपुलेशन, आम आदमी या उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों ने उस रिसर्च के प्रोसेस में भाग तो ना लिया हो, लेकिन वो रिसर्च उनके लिए महत्वपूर्ण हो, उस रिसर्च की फाइंडिंग से वो अपने जीवन में कुछ उपयोगिता या अपने जीवन में कुछ बेहतरी कर पाएँ। तो आवश्यकता डेटा प्रेजेंटेशन की इसी में निहित है कि हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरीके से प्रेजेंट की जाए। तो अगर हम बात करें, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें क्यों एक मीनिंग इन्फर नहीं कर पाती है, तो यदि हम देखें, हमने लास्ट लेक्चर में भी इसी तरह से यही रॉ डेटा प्रेजेंट किया था। अगर यही रॉ डेटा मैं अपनी ऑडियंस को प्रेजेंट करूं, तो वो ऑडियंस इस रॉ डेटा से कोई मीनिंग इन्फर नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा? मेरी ऑडियंस मेरी रिसर्च से डिस्कनेक्ट होगी। तो जब मैं अपनी रिसर्च के बारे में उन्हें बताऊंगा, अपनी फाइंडिंग के बारे में उन्हें बताऊंगा, तो उनके पास कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें नंबर्स से डर लगता है या हमें नंबर्स समझ में नहीं आते। नंबर्स क्यों समझ में नहीं आते? क्योंकि नंबर्स डायरेक्टली कोई मीनिंग आपको नहीं देते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ 30, 32, 32, 33 तो ये कोई डायरेक्ट मीनिंग मुझे कन्वे नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमें नंबर्स समझ में नहीं आते हैं। लेकिन जब हम इन्हीं नंबर्स को किसी ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो लोग कहते हैं कि अच्छा इन नंबर्स का ये अर्थ है, अर्थात इन नंबर्स को जब मैंने ग्राफ में कन्वर्ट किया तो ये नंबर मेरी ऑडियंस के लिए एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कन्वे कर पाए। तो अब हम समझते हैं कि इन नंबर्स से हमें डर क्यों लगता है। तो नंबर्स का डर से डरने का एक कारण हमने अभी स्पष्ट किया। नंबर दूसरी रूप में हमारे या ऑडियंस या लोगों से कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका उपयोग हम अपने जीवन में जो डिफ़िकल्ट कंडीशंस होती हैं उनमें करते हैं। जैसे अगर मुझे ये जानना हो कि यहाँ से किसी एक स्थान पर जाना है तो मुझे कितनी दूर जाना होगा, तो कोई मुझे बता सकता है 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जाना होगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी इन्फॉर्मेशंस को नंबर्स में कन्वर्ट किया। दूसरा, नंबर हमें सिर्फ अपने जीवन में कुछ ही चीज़ों में अच्छे लगते हैं, जैसे करेंसी अगर हमारे पास है, नंबर है, तो अगर नंबर 10 लाख है तो हमें अच्छा लगेगा, 10 करोड़ है तो हमें और अच्छा लगेगा। लेकिन जब हमें इन नंबर्स के साथ करेंसी में भी कैलकुलेशन करनी पड़े तो वो नंबर फिर हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाते हैं। अभी हमसे कहा जाए कि आपको अपने पूरे मंथ का बजट बनाना है तो हमें बजट की पहली न्यूमेरिकल वैल्यू तो अच्छी लगेगी जितनी हमें मिली, लेकिन उसके बाद जब हम नंबर्स में उनमें कैलकुलेशंस करेंगे तो उसके लिए वो टास्क फिर हमारे लिए एक हार्ड टास्क होता चला जाएगा। पहले इसीलिए लोग जब अपने महीने का खर्चा बनाते थे तो उसके साथ उस खर्चे को लिखते रहते थे कि इस दिन इस डेट में हमने ये इतना अमाउंट इस कार्य पे खर्च किया, और उसके बाद मंथ के एंड में जब वो अपने उस टास्क को, उस चार्ट को देखते थे तो उससे उन्हें ये अंदाज़ा लगता था कि मेरा कितना पैसा किस चीज़ में खर्च हुआ है। तो उसके बाद वो एक इन्फॉर्मेशन इन्फर कर पाते थे कि मेरी सैलरी का एक इतना मैक्सिमम पार्ट एक स्पेसिफिक खर्च में जा रहा है और एक दूसरे खर्च में मेरा बहुत कम पार्ट जा रहा है, और इसके बाद इस पूरे खर्चे के बाद मेरे पास इतनी सेविंग्स बची हैं। लेकिन इस पूरे कार्य को करने के लिए भी उन्हें अपने पूरे महीने का सैलरी या जितना उन्होंने अर्न किया, कितना उन्होंने खर्च किया, कहाँ कहाँ पर खर्च किया और उसके बाद उनके पास कितनी सेविंग बची, इतनी पूरी कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद मुझे पूरा इन्फ्रेंस मिलेगा मेरी एक्सपेंडिचर और मेरी इनकम का। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि आपके मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं। वो ऐप्स क्या करती हैं, आपको शुरू में आपसे आपकी मंथ की इनकम इंसर्ट कराती हैं, उसके बाद डे वाइज आपसे इंसर्ट कराती है वो इन्फॉर्मेशन कि आपने कहाँ कितना पैसा खर्च किया। मंथ के एंड में वो आपको वो सारी कैलकुलेशन करके देती हैं और उसके बाद उसे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको डिस्प्ले करती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर वो ऐप है और उसके बाद ये मेरे पूरे मंथ की सैलरी का एक्सपेंडिचर है, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 10,000 की इनकम है। उसके बाद इस पूरे ऐप ने पूरे मंथ ये प्रोसेस किया कि आपने कहाँ कितना खर्च किया। उसके बाद उसने एक टेबुलर फॉर्म में बताया और एक ग्राफिकल फॉर्म में बताया। तो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी कि 10,000 में से 5,000 हमने मेडिकल में खर्च हुआ, हमारा खर्चा मेडिकल में कितना हुआ 5,000। उसके बाद लगभग 2,000 का खर्चा हमारा फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी में, वेजिटेबल में, और जो हमारे डेली के खर्च हैं उसमें हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारे पास 3,000 रुपये बचे और वो मान लेते हैं हम कि हमारी सेविंग है। अगर वो ऐप मुझे इस तरीके से मेरा पूरे मंथ का एक्सपेंडिचर और मेरी सैलरी प्रेजेंट करती है तो मुझे पूरे नंबर्स पूरी कैलकुलेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये इन्फर कर सकता हूँ कि मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है मेरे घर पे कोई बीमार हो या किसी भी वजह से, या हम मान लेते हैं कि हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं है, हमारे स्टडी के एक्सपेंसेस हैं। तो हम एक फिगर से, एक ग्राफ से, एक व्यू में बहुत कम समय में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस डेटा के बारे में जान पाते हैं। ये हमारा बेनिफिट है, हमारे रॉ डेटा को या हमारी फाइंडिंग्स को ग्राफ में या किसी भी तरीके से प्रेजेंट करना, ताकि हमारे ऑडियंस को हमारी फाइंडिंग्स के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कन्वे हो सके। तो डेटा प्रेजेंटेशन का यही इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि हम किन किन माध्यम से अपने डेटा को या अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के क्लास में जो सबसे पहला मेथड है ग्राफ का, वो है पहले हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ग्राफ किस प्रकार का दिखता है और ग्राफ के क्या क्या आयाम हैं। उसके बाद हम लोग ये जान पाएंगे कि किस प्रकार हम उस ग्राफ में अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप लोगों ने इससे पहले ग्राफ की बुक्स में, किसी प्रैक्टिकल फाइल में या किसी पेपर में ग्राफ को देखा होगा। तो आप देखते हैं कि ग्राफ में बहुत सारी लाइंस होती हैं। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो देखेंगे कि ये बहुत सारी लाइंस हैं। उसके साथ साथ इस तरफ से भी लाइन है। तो हम ग्राफ पेपर में देखेंगे कि बहुत सारी लाइंस बनी हुई हैं और वो लाइन सिमेट्रिक है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन टेढ़ी है एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। तो ये सिमेट्रिकली हमारे पूरे पेज को हमारे ग्राफ ने छोटे छोटे कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और अगर अब हम इस ग्राफ को चार बराबर हिस्सों में बांटें तो हम अपने इस ग्राफ को चार चतुर्थांश में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें जो ये पहला वाला होता है इसे हम बोलते हैं प्रथम या फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश में जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू का साइन है वो होता है प्लस प्लस, अर्थात जब हमारे x और y दोनों की वैल्यू धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो हम अपने उन अंकों को हमारे ग्राफ के इस प्रथम चतुर्थांश में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ माइनस और प्लस दोनों में हो तो हम सेकंड चतुर्थांश का उपयोग करते हैं। इसके बाद थर्ड, जब हमारी वैल्यूज़ दोनों निगेटिव में हो तो हम थर्ड चतुर्थांश का उपयोग करते हैं। जब हमारी वैल्यूज़ प्लस और माइनस में हो तो हम थर्ड चतुर्थांश में उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो लाइंस हैं इनमें एक डार्क लाइन है। इस एक बड़ी डार्क लाइन के बाद फिफ्थ लाइन 1, 2, 3, 4, 5 वो भी एक कम मैग्नीट्यूड में डार्क है। इसके बाद फिर फिफ्थ लाइन दोबारा से एक डार्क लाइन इंडिकेट हो रही है। इन दोनों डार्क लाइन के बीच में 10 स्मॉल ब्लॉक्स हैं। तो हम इससे अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने में हमें मदद मिलती है कि जैसे अगर पहला हमने अपना डेटा इस लाइन पे अंकित किया है, माना फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो उसके बाद अगर हमने ये डिसाइड किया है कि 10 ब्लॉक्स इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी, तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए हमें जो नेक्स्ट डार्क लाइन होगी वो इजीली दिख जाएगी और हम अपनी सेकेंड फ्रीक्वेंसी वहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसके बाद हमारा ये पूरा का पूरा ग्राफ दो एक्सिस में बटा होता है, जिसमें हम ये इस एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो सामने हमारे से है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। कॉमनली हम लोग अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर और अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पर डिनोट करते हैं, या अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ हैं तो हम फ्रीक्वेंसीज़ अपनी वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर क्लासेस हैं तो हम उन्हें क्लासेस को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने जो ग्राफ है उसका एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी इन्फॉर्मेशन कन्वे की है। अब इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस ग्राफ को उपयोग करते हुए हम किस किस तरह के ग्राफ बना सकते हैं, और वो जो डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं वो किन कंडीशंस में यूज़ होते हैं, और वो डिफरेंट तरह के ग्राफ या मेथड्स हमें किस तरीके से डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। तो जो पहला ग्राफ है वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ बनाने की विधियों में एक बहुत ही सबसे सिंपल आप कह सकते हैं बार ग्राफ और पाई डायग्राम। इन पाई डायग्राम और बार ग्राफ को बनाना सबसे आसान है। तो एक ईजीएस्ट मेथड है हमारे डेटा को प्रेजेंट करने का बार ग्राफ। जैसा कि नाम से ही है बार का मतलब कुछ कॉलम्स होंगे जिनके माध्यम से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करेंगे। तो अब हम ड्रॉ करते हैं। जैसा अभी हमने बताया कि एक ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ग्राफ बनाते समय जब हम अपनी यूनिट्स को ग्राफ में प्रेजेंट करें, चिन्हित करें, तो इसका एक छोटा सा प्रिंसिपल है कि जो हमारा वाई एक्सिस है ये हमारे एक्सिस से 60 to 80% रेशियो का हो। बेस्ट ये है कि हमारा जो वाई एक्सिस है वो 75% हो हमारे एक्स एक्सिस का, या अगर वो 70 भी नहीं है तो 60 to 80। अदरवाइज़ हमारा ग्राफ या तो बहुत फैला हुआ दिखाई देता है या हमारा ग्राफ बहुत लंबा दिखाई देता है। तो अपने ग्राफ को नीट, क्लियर, सुंदर बनाने के लिए हम इस तरह से अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को अपने ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। तो बार ग्राफ हमें कब उपयोग में आता है? जब हमारा डेटा में कुछ कैटेगरीज़ हों, कुछ ग्रुप्स हों, और उन ग्रुप्स का हमें डिफरेंस शो करना हो, या हमें ये बताना हो कि इन दोनों ग्रुप्स में किस तरीके से हमारी फ्रीक्वेंसीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो मेल और फीमेल का डेटा है। इसका अर्थ हुआ कि हमारे पास हमारे डेटा में दो कैटेगरीज़ हैं, मेल एंड फीमेल। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन मेल और फीमेल का डेटा बार ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करना है। तो वाई एक्सिस पर हम लोग क्या करते हैं कि हमें अगर ये बताना है कि मेल और फीमेल का एटीट्यूड टुवर्ड्स स्मोकिंग, या टुवर्ड्स स्मोकिंग, या हम लेते हैं कि मेल और फीमेल का टुवर्ड्स स्पोर्ट्स क्या एटीट्यूड है। तो अब हमने डेटा कलेक्ट किया, और डेटा कलेक्ट करने के बाद हमारे पास डेटा है जो हमारे मेल और हमारे फीमेल पार्टिसिपेंट का स्पोर्ट्स के लिए जो हमारा एटीट्यूड है उसे डिस्प्ले कर रहा है। और हमने देखा कि जो अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर जो इस तरीके से छोटी लाइन से उन्हें काउंट करके एक 5 जो ब्लॉक्स हैं उनको मिलाते हुए एक कैटेगरी इनिशिएट करेंगे, और यहाँ पर हम डिनोट करेंगे मेल, सेकंड फीमेल। ये अभी हम हाइपोथेटिकली ड्रॉ कर रहे हैं। अभी हम फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे पुट करेंगे और उसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन करके आपको बताएंगे फीमेल। अब ये हमने सिर्फ एक्स एक्सिस पर अपनी दोनों कैटेगरीज़ को चिन्हित किया है। अब ये जो मेरा कॉलम है ये मुझे क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बताएगा कि मेल की क्या फ्रीक्वेंसीज़ हैं या मेल का क्या डेटा है y एक्सिस पर और y एक्सिस पर होगा स्पोर्ट्स के लिए एटीट्यूड। इसी तरीके से ये जो दूसरा कॉलम है ये मुझे क्या बताएगा कि हमारी फीमेल पार्टिसिपेंट का स्पोर्ट्स के लिए क्या एटीट्यूड है। माना ये जो हमारा मेजर था इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम स्कोर 20 आया, मिनिमम स्कोर 10 है, तो मेरा जो रेंज है 10 to 20 होगा। अब इस डेटा को समझते हुए या हम ऐसे शुरुआत करते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 से 20 शुरू हो रही है, तो अब हमें ये पता है कि जो स्पोर्ट्स के लिए जो एटीट्यूड है वो 0 से 20 तक लाई कर सकता है। अब मैं एक्स एक्सिस को ध्यान में रखते हुए वाई एक्सिस पर जो ये ब्लॉक्स हैं इनका न्यूमेरिकल असाइनमेंट डिसाइड करूंगा। तो हमने देखा था कि जो फर्स्ट 10 ब्लॉक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, एक ये डार्क लाइन, मेरा फर्स्ट कॉलम है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इसको एक फ्रीक्वेंसी काउंट किया या एक डेटा पॉइंट काउंट किया तो उसके बाद मुझे इस तरह के 20 कॉलम्स चाहिए। क्योंकि मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा कि ये जो ब्लॉक्स हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है, इन्हें जो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर रहा हूँ वो ज़्यादा असाइन कर सकता हूँ। जैसे हो सकता यहाँ पर मैं अब 5 की वैल्यू असाइन करता हूँ, 5-10 बड़े ब्लॉक मिलकर एक 5 फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2 छोटे ब्लॉक मिलकर एक फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेकंड यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 5, 10, 15 and 20। तो अगर मेरे मेल पार्टिसिपेंट का एवरेज 4 एग्जाम्पल आया 15 तो मैं इस तरीके से अपने मेल पार्टिसिपेंट का डेटा रिप्रेजेंट करूंगा। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे जो फीमेल पार्टिसिपेंट हैं उनका एटीट्यूड एवरेज एटीट्यूड था 18, दो छोटे कॉलम्स मीन्स एक फ्रीक्वेंसी, इस प्रकार से मैं अपना बाय डायग्राम रिप्रेजेंट करता हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम डेटा को ना देखें, रॉ डेटा भी ना देखें और समझना हो तो हम ये सिर्फ एक बार देख के ही समझ सकते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनका स्पोर्ट्स के लिए जो एटीट्यूड है वो मेल पार्टिसिपेंट के मुकाबले ज़्यादा है। हालांकि ये डिफरेंस कम है लेकिन आप एक विजिबल डिफरेंस देख सकते हैं। तो इस प्रकार बार डायग्राम के थ्रू हम अपने डेटा में जो 2 कैटेगरीज हैं उनका किसी भी हमारे डीवी पर या जो भी हमारा रिसर्च का वेरिएबल कंसर्न है उसका डेटा रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और बार डायग्राम के थ्रू हम दोनों कैटेगरीज के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं है ये हम इजीली देख सकते हैं, या हमारे दोनों कैटेगरीज के बीच में कितना डिफरेंस है वो भी हम यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो नहीं कर पाएंगे कि ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है, लेकिन डिफरेंस है ये यहाँ पर हमें इंडिकेट हो गया। तो इस प्रकार हम बार डायग्राफ ड्रॉ करते हैं। बार डायग्राम ड्रॉ करने के एक और मेथड है जिसे हम बोलते हैं ग्रुप बाय बार ग्राफ। अब ग्रुप बार ग्राफ या बार डायग्राम में ग्रुप में हम क्या करते हैं कि एक ही ग्राफ में हम एक साथ 2 ग्रुप्स का डेटा प्रेजेंट करते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं और इस बार हम लोग y एक्सिस पर सेल रखते हैं, सेल्स, और एक्स एक्सिस पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं फॉर एग्जांपल दो कंपनी हैं, कंपनी ए कंपनी बी, और ये दोनों कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती हैं, प्रोडक्ट पी ए, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, बी कंपनी भी प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। और जब हमें अब हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज हैं, कंपनी ए कंपनी बी, और दोनों कंपनी के दो प्रोडक्ट हैं। अब अगर हमें इन दोनों प्रोडक्ट का और इन दोनों कंपनी का एक साथ बार ग्राफ बनाना हो तो हम उसे बोलेंगे ग्रुप बार ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, पहले दो कैटेगरीज को एक्स एक्सिस पर आइडेंटिफाई करेंगे, कंपनी ए कंपनी बी। यहाँ पर कंपनी ए का प्रोडक्ट ए, कंपनी ए का प्रोडक्ट बी, कंपनी बी का प्रोडक्ट ए, कंपनी बी का प्रोडक्ट बी। और कंपनी ए का प्रोडक्ट ए की सेल्स फ्रीक्वेंसी में फॉर एग्जांपल हम मानते हैं हुई 10, तो हमने ड्रॉ किया एक बार। उसके बाद कंपनी ए का प्रोडक्ट बी की सेल्स, दूसरा डायग्राम। अब कंपनी बी का प्रोडक्ट ए फॉर एग्जांपल उसकी सेल हुई 8, और कंपनी बी का प्रोडक्ट बी उसकी सेल हुई 20। तो इस प्रकार हमने एक ही ग्राफ में, एक ही बार ग्राफ में एक साथ दो ग्रुप में हमने अपना डेटा प्रेजेंट किया। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि कंपनी बी का प्रोडक्ट बी की सेल्स कंपनी ए के प्रोडक्ट बी की सेल्स से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कंपनी ए के प्रोडक्ट ए की सेल कंपनी बी के प्रोडक्ट ए की सेल से कम है। हालांकि ये डिफरेंस, जो डिफरेंस प्रोडक्ट बी का डिफरेंस है वो प्रोडक्ट ए के डिफरेंस से काफ़ी कम है। तो इस प्रकार अगर हमें दो कंपनी के दो प्रोडक्ट हैं और उनकी सेल्स का फ्रीक्वेंसी हमारे पास है और हमें एक ही ग्राफ में प्रेजेंट करना है कि दोनों कंपनी के दोनों प्रोडक्ट की जो सेल है उसे आप प्रेजेंट कीजिए, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिल सके कि दोनों कंपनी किस प्रकार से मार्केट में परफॉर्म कर रही हैं और किस प्रकार से दोनों कंपनी के दोनों प्रोडक्ट मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसे हम ग्रुप बार ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बार ग्राफ की क्या हमें एडवांटेजेस हैं या बार ग्राफ से हमें क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला डिसएडवांटेजेस है कि जो बार ग्राफ है वो हमें दो कैटेगरीज के बीच में डिफरेंसेस बहुत ही ईजीली डिस्प्ले करता है, प्रेजेंट करता है। जैसा हमने अभी देखा था कि अगर हमें मेल और फीमेल दो कैटेगरीज हैं और उनका किसी भी वेरिएबल पे, जैसा हमने देखा स्पोर्ट्स एटीट्यूड पे, अगर डिफरेंस शो करना है तो हमने इजीली बार ग्राफ के थ्रू हमने वो डिफरेंसेस प्रेजेंट किए। अब उसके बाद सेकंड इसका एडवांटेजेस है इजी, बाकी ग्राफ को बनाने के मुकाबले इस ग्राफ को बनाना थोड़ा इजी है, और इस ग्राफ को बनाने के साथ साथ इस ग्राफ को समझना भी काफ़ी आसान है। जैसा हमने देखा था उस डायग्राम में दो बार हैं और उन बार के बीच में अगर कोई बड़ा है बार तो हम दिख जाएगा हमें कि इसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, जिसकी कम है उसका कम मैग्नीट्यूड है, तो ये इजीली समझ में आ जाता है। उसके साथ साथ हम इस डिफरेंस को बहुत ईजीली विजुअलाइज कर सकते हैं किस में? बार में, क्योंकि वो जो बढ़ता और छोटा या एक बड़ा एक छोटा है वो आसानी से विजुलाइज हो जाता है। उसके बाद अगर ग्रुप में है तो जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसा हमने देखा कि कंपनी बी में प्रोडक्ट बी सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि उसका प्रोडक्ट बी, कंपनी बी का प्रोडक्ट बी कंपनी बी के प्रोडक्ट ए से भी ज़्यादा है सेल्स में, और कंपनी ए के प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी उन दोनों से भी कहीं ज़्यादा है सेल में। तो वो जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन ग्रुप्स की, उन सब ग्रुप्स की हम आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं, आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बार ग्राफ के बाद जो नेक्स्ट ग्राफ है उसे हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बार डायग्राम बनाने के समय हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास हमारा डेटा कैटेगरीज में हो, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा डेटा है वो किस लेवल ऑफ मेजरमेंट पर होगा, या तो नॉमिनल लेवल पर या ऑर्डिनल लेवल पर, क्योंकि इन्हीं दोनों लेवल पे जो कैटेगरीज हैं वो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज होती हैं। जब हमारी कैटेगरीज डिस्टिंक्ट हैं तो हम लोग बार डायग्राम डेवलप करते हैं, लेकिन जब हमारी कैटेगरीज डिस्टिंक्ट या एक दूसरे से बिल्कुल अलग ना हो, कंटिन्यूम पे हो, कंटिन्यूअस हो, तो इन कंडीशन में हम लोग जो अपना ग्राफ बनाते हैं, अपना डेटा प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम जो डेटा अभी इस्तेमाल करने वाले हैं ये वही डेटा है जो हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में यूज़ किया था जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप किया था। तो अब हम उसी डेटा को, जिस डेटा से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम हिस्टोग्राम के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमारे पास रॉ डेटा था, उसे प्रेजेंट करने के लिए हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। तो अब हमारे सामने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी है और अब हम लोग इसका एक हिस्टोग्राम डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आइडेंटिफाई किए। इसके बाद एक्स एक्सिस पर हमारा क्या होगा? क्लास इंटरवल। वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी। जो ये ग्राफ है, जो इन दो, जहाँ पे ये दोनों लाइन मिलती हैं वहाँ पर से हम लोग इस ग्राफ का इनिशियल पॉइंट मानते हैं। ये वो बिंदु है। तो ये जो बिंदु है यहाँ से हम डिस्टेंस मेज़र करना शुरू करते हैं। तो इसे हम लोग ज़ीरो मानते हैं। एक्स एक्सिस पर भी ज़ीरो, वाई एक्सिस पर भी ज़ीरो। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि जो क्लासेस हैं वो ज़ीरो से नहीं शुरू हो रही हैं, वो कहाँ से शुरू हो रही हैं? 30 से। तो अगर हम यहाँ से अपने एक्स एक्सिस पर क्लासेस की किसी भी यूनिट को अपने ग्राफ के किसी भी कॉलम से उनसे आइडेंटिफाई करेंगे, यूनिट में चेंज करेंगे, तो वो यहाँ से लेकर जहाँ भी 30 आ रहा होगा हमारा डेटा ब्लैंक होगा और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो जो हमारे ग्राफ का इतना पोर्शन है वो यूज़ में नहीं आएगा और एक्चुअली हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। अगर 30 to 34 यहाँ पर है तो ये जो इतना पोर्शन है ग्राफ का वो यूज़ नहीं हुआ। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है कि हम ग्राफ में इस तरीके से एक साइन बनाते हैं और ये जो लाइन है इसे रब हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि जहाँ से लेकर यहाँ पर ये सारा डिस्टेंस 0 से लेकर 30 तक इसने कवर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक बड़ी लाइन थी यहाँ से अपने क्लास इंटरवल बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है 30। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं, हमारे पास 11 क्लासेस हैं, तो जो हमारा फर्स्ट 10 कॉलम्स के बाद जो फर्स्ट डार्क लाइन होगी वो हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए शुरुआत होगी। तो 32 देन फिर नेक्स्ट क्लास हमारी शुरू होगी 35 से। उसके बाद 36 और हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है 7। तो हम लोग यहाँ पर जो 10 छोटे ब्लॉक हैं उनके बाद जो एक बिगर लाइन है वहाँ पर अपनी फ्रिक्वेंसीज़ को अंकित कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमारे 30 to 34 का जो क्लास इंटरवल है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, 5। अब हम लोग इस लाइन को इस तरीके से एक स्तंभ की आकृति दे देंगे। अब ये हमें अंकित कर रहा है कि 30 to 34 की जो क्लास है उसमें फ्रीक्वेंसी 5 है। ब्लॉक हमने बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट है 35 to 40 जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। उसके बाद हमारे पास 40 to 45 इसकी फ्रीक्वेंसी है अगेन 5। देन 45 to 49 2। हमने कलर चेंज किया है तो आसानी से ये डिफरेंस अब शो हो जाएगा। अब 50 to 55 7। Fifty to fifty-four. 50 to 54 4 फ्रीक्वेंसी। 55 to 67 60 to 65 again 5 70 to 74 6 then 5 70 to 74 6 75 to 79 it's 5 then 80 to 85 7 इस प्रकार से हम अपना हिस्टोग्राम प्रेजेंट करते हैं। ये लाइंस और ये अगर एक ग्राफ होगा तो हम आसानी से इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ये लाइन और ये कलर से आपको रिफ्लेक्शन सीधा नहीं आ रहा होगा, तो सीधा है कि एक्स एक्सिस पर हमें जो भी फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के सामने उस बार को डेवलप करना है। तो ये बाद में हमारे सामने इस तरीके से ये कंटिन्यूस सीरीज़ में बार डायग्राम की तरह ही हमारा डेटा रिप्रेजेंट हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूम में हैं, कंटिन्यूस हैं, तो ये जो दोनों बार्स हैं ये आपस में मिले हुए होंगे, इनमें डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जब बार डायग्राम था तो दोनों कैटेगरीज डिस्टिंक्ट थी, डिफरेंट थी, तो उनके बीच में जो डिफरेंसेस थे वो क्लियर, एक बार अलग बन रहा था, दूसरा बार अलग था। यहाँ पर भी हमें इन्फॉर्मेशन कन्वे होगी। जैसे अगर हम देख सकते हैं 7, तो जहाँ पर 7 फ्रीक्वेंसी है वो क्लास हमारा जो उसका बार है वो ज़्यादा है। तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन दो क्लासेस में कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो वो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। किस क्लास में सबसे कम फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी नहीं है वो हमारे पास यहाँ आइडेंटिफाई होगी, 2। तो इस प्रकार से हम अपने डेटा को हिस्टोग्राम की एक ग्राफिकल मेथड विधि से अपना डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हिस्टोग्राम की क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किन किन कंडीशंस में हम हिस्टोग्राफ को डेवलप करते हैं। पहला, जब हमारा डेटा इंटरवल या रेशो स्केल पर हो, क्योंकि यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं हैं, वो कंटिन्यूस में होनी चाहिए, तो जो फ्रिक्वेंसी है वो एक दूसरे के साथ उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेवलप होता चला जाएगा। इसके साथ ही हमें बताता है कि किस ग्रुप में, किस क्लास में कितनी फ्रिक्वेंसी है, उसकी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसके अलावा जो हमारा हिस्टोग्राम है हमें हमारे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी एक आइडिया देता है। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, किसी क्लास में सडनली बहुत ज़्यादा आ गई हैं, किसी क्लास में कम है। हमारा डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी फ्रिक्वेंसीज़ किस क्लास में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसका एक जनरल आइडिया हमें हिस्टोग्राम के द्वारा मिल सकता है। हिस्टोग्राम के बाद जो नेक्स्ट मेथड है अब हम डिस्कस करते हैं पाई चार्ट। बार डायग्राम की ही तरह पाई चार्ट भी एक वेरी इजी टू डेवलप एंड इजी टू अंडरस्टैंड ग्राफिकल मेथड है। पाई चार्ट में हम लोग अपने पूरे डेटा को एक सर्किल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक सर्किल है। इस सर्किल का अर्थ है टोटल फ्रिक्वेंसीज या टोटल नंबर ऑफ डेटा। अब हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी या टोटल है वो 10 होगा, 10, 6, 2, 1, 2, 11 अभी होगा। तो अगर हमारे पास ये टोटल है 11 और अब हमें ये बताना है कि इस 11 का डिस्ट्रीब्यूशन 1, 2, 3, 4 इन 4 कैटेगरीज में, इस 4 डायमेंशन में किस तरीके से हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि जो कैटेगरी 1 है या हम इसे अभी A कहते हैं, ये इसने मैक्सिमम जो पोर्शन है, जो प्रोपोर्शन है उसे ओन किया है। तो ये जो कॉलम है जो इस कैटेगरी का, ये सबसे ज़्यादा हिस्सा इस पाई डायग्राम में ले रहा है। उसके बाद कैटेगरी बी, कैटेगरी बी कितना कर रहा है, इसका एक प्रोपोर्शन जिसकी फ्रिक्वेंसी 2 है। अब उसके बाद कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। अगर हम ये माने कि हमारे पास 11 रुपए हैं और अब हमने उसे 1, 2, 3, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है और ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हमने पाई चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, तो ये पाई चार्ट हमें बता देगा कि पार्टिसिपेंट ए को हमने इन 11 रुपए में से कितने रुपए दिए होंगे, 6 रुपए, पार्टिसिपेंट बी को 2, पार्टिसिपेंट सी को 1, पार्टिसिपेंट डी को 2 रुपए। तो इस पाई चार्ट से मैं बता सकता हूं कि जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि पार्टिसिपेंट ए को मैंने मैक्सिमम प्रोपोर्शन उसमें से दिया है, पार्टिसिपेंट बी और पार्टिसिपेंट डी को मैंने इक्वल प्रोपोर्शन दिया है, पार्टिसिपेंट सी को मैंने सबसे कम और सबसे मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन में जो उसका प्रोपोर्शन था उसे मैंने दिया। तो अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है, मुझे ये बताना है कि 2 कैटेगरी या 2 से ज़्यादा जो कैटेगरी हैं उन्होंने कितना काम किया, या अभी से एग्जांपल को हम लेते हैं कि अगर ये 11 किसी कार्य की वैल्यू है, मेजर है, और उसमें बताया जाए कि पार्टिसिपेंट ए, पार्टिसिपेंट बी, पार्टिसिपेंट सी और पार्टिसिपेंट डी ने किस प्रोपोर्शन में काम किया है, कितना काम किया है, तो हम पाई चार्ट के माध्यम से आसानी से लोगों को ये बता सकते हैं कि किस व्यक्ति ने कितना काम किया या किस ग्रुप ने कितना काम किया। इसी पाई चार्ट को अब हम लोग अपने मंथली एक्सपेंडिचर से समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने पहले ही इस लेक्चर की शुरुआत में किया था। अब हम ये मानते हैं कि हमने 10,000 रुपये हमारे पास हैं और उसके बाद हमने ये 10,000 रुपये खर्च किए। अब हमें ये जानना है कि इन 10,000 रुपयों को हमने कहाँ कहाँ खर्च किया। तो जैसा हमने इस लेक्चर के शुरू में बनाया था, हम एक पाई चार्ट बनाएंगे और पाई चार्ट में अब इस खर्चे की हमने कैटेगरीज फॉर एग्जांपल रखी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। और हमने कैटेगरी ए में 5000 स्पेंड कर दिया, तो कैटेगरी ए ने 50% प्रोपोर्शन ओन किया मेरे पूरे एक्सपेंडिचर को। और इसे बताने के लिए पाई चार्ट के से ज़्यादा अच्छा और सबसे इजी कोई और मेथड नहीं है, क्योंकि ये हमें 100% भी शो कर रहा है कि जो पाई चार्ट है इसका जो टोटल एरिया है ये 100% है, और अगर किसी एक कैटेगरी ने उसका 50% ओन किया है और यहाँ मैंने शो किया कि ये वो कैटेगरी है, तो इस प्रेजेंटेशन से बिल्कुल एक ही व्यू में ये क्लियर होगा कि मेरा मैक्सिमम एक्सपेंडिचर इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मेरी बी कैटेगरी है जिसमें मैंने 2,500 2,500 रुपये खर्च किया, यहाँ पे मेरी वो बी कैटेगरी है। जब पाई चार्ट में हम इस तरह की स्लाइसेस बनाते हैं तो उन्हें किसी दूसरे कलर या किसी दूसरे लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये वो एक स्लाइस है, ये दूसरी स्लाइस है। तो यहाँ पर अगर मैं ये पाई चार्ट किसी को दिखाऊंगा तो वो मुझे आसानी से बता देगा कि 25% मेरा एक्सपेंडिचर कहाँ पर हुआ, कैटेगरी बी में। अब कैटेगरी बी में मैंने किसी भी तरह के कोई भी खर्चे रखे हों, चाहे ग्रॉसरी है, चाहे वेजिटेबल है, चाहे मेडिकल है, चाहे स्टडी है, वो मैं यहाँ पर क्लियर बता दूंगा। उसके बाद मेरे पास दो और कैटेगरीज़ हैं, इस कैटेगरीज़ में अभी मेरे पास जो अमाउंट बचा है उसमें से मैंने लगभग 2000 रुपये और कैटेगरी सी में खर्च किया। कैटेगरी सी, उसके बाद मेरे पास बची कैटेगरी डी। चलो इस कैटेगरी डी को हम लोग सेविंग मानते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन के बाद हमें ये बहुत क्लियर है कि मेरी जो सेविंग है वो कितने परसेंट है, किस कैटेगरी में मैंने कितना खर्च किया और उस कैटेगरी के बाद मेरे पास कितनी सेविंग्स बची। तो इस पाई चार्ट के थ्रू मैं आसानी से अपने प्रोपोर्शंस, अपनी कैटेगरीज, उन कैटेगरीज का क्या मैग्नीट्यूड है, आसानी से अपनी ऑडियंस को डिस्प्ले कर सकता हूँ। अब पाई चार्ट के क्या एडवांटेजेस हैं और कहाँ कहाँ पर हमें पाई चार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि पाई चार्ट में बहुत आसानी से हम लोग जो कैटेगरीज़ हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं, और वो जो कैटेगरीज़ कितना मैग्नीट्यूड ओन करती हैं, कितना इम्पोर्टेंस ओन करती हैं, वो हम आसानी से डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को। जैसे हमने देखा कि हमारी कैटेगरी ए 50% मैग्नीट्यूड या एरिया कवर कर रही थी, तो हम ये बता सकते हैं कि मेरे जो एक्सपेंडिचर हैं उसका मैक्सिमम पार्ट कैटेगरी ए को बिलोंग कर रहा है। इसके साथ साथ हमने देखा था कि हम इस कैटेगरीज़ में आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 100% का भी इंफॉर्मेशन है और उसके साथ वो कैटेगरी कितना उसमें से पोर्शन ओन कर रही है वो भी हम कंपैरेटिवली सामने ही देख सकते हैं। तो हम आसानी से कंपैरिजन कर सकते थे कि कैटेगरी बी और कैटेगरी ए, तो कैटेगरी ए कैटेगरी बी का 2 गुना एक्सपेंडिचर डिमांड कर रही है, तो हम आसानी से कंपैरिजन उन कैटेगरीज के बीच में कर पाते हैं। विजुअल प्रेजेंटेशन, पाई बहुत ही विजुअली, बहुत ही आसानी से एक ही विजुअल लुक में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर देता है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। पाई चार्ट देखने में आसान लगता है, इजी लगता है, आसानी से कॉम्प्रिहेंड होता है, तो वो हमें आसानी से समझ में आता है। इसके अलावा पाई चार्ट के साथ जो एक छोटी सी प्रॉब्लम है वो है सेवरल कैटेगरीज। अगर हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं और उन कैटेगरीज़ का डेटा हमें प्रेजेंट करना है, उस कंडीशन में पाई थोड़ी सी डिफ़िकल्टी रेज़ करता है। जैसे अगर ये मेरा पाई चार्ट है और इसमें माना 50 कैटेगरीज़ हैं, जब मैं इस सर्किल में 50 कैटेगरीज़ बनाऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा बनेंगी, और ये 50 कैटेगरी एक बार में मुझे विजुलाइज नहीं होंगी, समझ में नहीं आएंगी। तो जो पाई चार्ट का पर्पस है कि ये इजीली एक ही व्यू में आसानी से समझ में आता है, इजीली कॉम्प्रीहेंड होता है, वो जो पॉइंट है यहाँ पर मिस होगा। तो अगर मेरे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं तो उस कंडीशन में हम लोग पाई चार्ट को बनाना अवॉइड करते हैं। पाई चार्ट के बाद अब जो हमारे पास ग्राफ है उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आवृत्ति बहुभुज। तो इस आवृत्ति बहुभुज में हम लोग क्या डिस्प्ले करने वाले हैं? आवृत्तियों को, फ्रीक्वेंसी को। ये बनाना और हिस्टोग्राम बनाना, इन दोनों के मेथड आपस में काफ़ी सिमिलर हैं। अब हम देखते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। इसके लिए वापस हम लोग पहले एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसके बाद अब हम लोग एक हाइपोथेटिकल डेटा पे इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को प्लॉट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस पर चाहिए क्लासेस। अगेन अगर वो ज़ीरो से शुरू नहीं हो रही हैं तो हम यहाँ पर साइन डेवलप करते हैं। उसके बाद हमारा जो ग्राफ का इनिशियल पॉइंट है जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वहाँ पर हम लोग पहली फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। यहाँ पर हम अगेन अपना वही डेटा हाइपोथेटिकल जितना याद आएगा उसके अकॉर्डिंगली उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। सेकेंड 35, 40, 45, 50, 55, 60 और वाई एक्सिस पर हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं, जहाँ पर हम दिखाते हैं, चिन्हित करते हैं, वो होता है उस क्लास का मिड पॉइंट। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के समय हम एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं कि जो हमारी क्लासेस हैं उस क्लासेस की पहली क्लास से पहले एक और क्लास अज्यूम करते हैं और जहाँ पे वो क्लास एंड हो रही है उससे आगे भी एक और हाइपोथेटिकल क्लास को अज्यूम करते हैं। वो क्यों करते हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है वो अभी हम लोग जब हम पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे उसके बाद आपको क्लियर करेंगे। तो अभी हम ये अज्यूम करते हैं कि 30 to 35 की जो क्लास है उसका फ्रिक्वेंसी 2 है। तो हमने ड्रॉ कहाँ किया? इस क्लास के मिड पॉइंट पर। उसके बाद नेक्स्ट क्लास 35 टू 40 हम मानते हैं कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी काउंट अभी हम अज्यूम कर रहे हैं 1। उसके बाद 40 टू 45 अभी हम अज्यूम करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी 4। फोर्टी फाइव टू 50 फ्रीक्वेंसी 5। फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव क्लास फ्रीक्वेंसी 4। फिफ्टी फाइव टू 60 क्लास फ्रीक्वेंसी 3। मिड पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी चिन्हित करने के बाद अब हम इन फ्रीक्वेंसीज़ को आपस में जोड़ देते हैं। एक लाइन से का यूज़ करते हुए इन फ्रीक्वेंसीज़ को आपस में मिला देंगे। तो 30 to 35 के बाद फ्रीक्वेंसी, देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी और इसी प्रकार जो भी क्लासेस में जिस भी प्रकार की फ्रीक्वेंसी हमें मिली है उसे हम बना देंगे। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि अभी जो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ऐसा लग रहा है जैसे हवा में है, ये आपकी ज़मीन से या आपकी बेस लाइन से टच नहीं हो रहा है। इसी के लिए हमने आपसे कहा था कि जो हमारी पहली क्लास है उससे पहले हम एक क्लास एज्यूम करते हैं और जो हमारी लास्ट क्लास है उससे एक और क्लास एज्यूम करते हैं। क्योंकि वो अज्यूम्ड क्लास है तो उसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होगी। तो वो जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन का मिड का पॉइंट होगा वो हमारी बेस लाइन पर ही होगा। अभी हम मानते हैं कि हमने उससे पहले लिया था तो 25 और 60 से आगे 65। तो अब ये फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन इसके मिड में अगर होगा तो ये ज़मीन इसकी बेस लाइन से टच करेगा। तो अब ये हमारा जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है ऐसा नहीं लग रहा है कि हैंग कर रहा है। अब ये क्या है, हमारी बेस पर हमें स्टैब्लिश फॉर्म में शो हो रहा है। अब फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन में हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन का एक और इस्तेमाल करते हैं। जब अभी हमने क्या किया था, एक ग्रुप का डेटा हमने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन से डिस्प्ले किया, प्रेजेंट किया। अगर हमारे पास एक ही डेटा ना होकर, एक ग्रुप का डेटा ना होकर एक से ज़्यादा ग्रुप का डेटा है। अभी हम अज्यूम करते हैं कि ये जो हमें हमने डेटा प्रेजेंट किया है वो ग्रुप ए का है। अब हम लोग ग्रुप बी का डेटा भी हमें प्रेजेंट करना है और ग्रुप बी का डेटा भी हमें इसी फ्रिक्वेंसी चार्ट में प्रेजेंट करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ग्रुप बी का डेटा भी यहीं पर प्रेजेंट कर सकते हैं। हम दूसरा कलर लेते हैं। अब ग्रुप बी ने 30 टू 35 क्लास में क्या फ्रिक्वेंसी ऑन की, फॉर एग्जांपल इन्होंने ऑन की 1। नेक्स्ट क्लास में दूसरे ग्रुप की फ्रिक्वेंसी आई 2, उससे नेक्स्ट क्लास में 3, नेक्स्ट क्लास में 2, नेक्स्ट क्लास में 4, उससे नेक्स्ट क्लास में फॉर एग्ज़ाम्पल 50 to 60 में उनकी फ्रीक्वेंसी आई 6। और अब हम लोग ये जो सेकंड पॉलीगॉन है इसे लाइन से जोड़ देंगे। उसके बाद ये वापस टच होगा। अब हम यहाँ पर एक साथ दो ग्रुप का डेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जब हम दो ग्रुप्स का डेटा एक ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से प्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो वो एक ही हो। हम इसी पर अगर हमने इस एक ग्रुप का स्पोर्ट्स एटीट्यूड का डेटा लिया है वो, और दूसरे पे अगर हमने एग्रेशन या इमोशनल इंटेलिजेंस का डेटा लिया है वो, दोनों एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पर डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे। सेकंड, अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल सेम ही है लेकिन इनका मेज़रमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ग्रुप ए का जो फ्रिक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से शुरू होकर 6 तक जा रहा है, लेकिन ग्रुप 2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रीक्वेंसी का वो 4 से शुरू होकर 20 तक जा रहा है। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को एक साथ मर्ज कर कर डिस्प्ले करेंगे तो इनका जो डिस्पर्जन होगा वो डिफरेंट होगा और यहाँ पे जो यूनिट होंगी वो भी हमें डिफरेंट वे में डिस्ट्रीब्यूट करनी होंगी। तो उसके बाद जब इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे तो वो एक व्यू में कंप्लीट व्यू नहीं मिलेगा। तो जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल सेम हो, ग्रुप 2 भी हो सकते हैं और जो हमारा मेज़रमेंट का डिस्पर्जन है वो समहाउ एक सिमिलर हो, इक्वलेंट हो, बिल्कुल सेम नहीं हो, थोड़ा भी अगर ज़्यादा होगा तो हम यहाँ पर डिस्प्ले कर पाएंगे। इससे हमें एक और बेनिफिट हुआ कि अब हम यहाँ पे दोनों ग्रुप्स का कंपैरिजन भी कर पा रहे हैं। हालांकि ये अगर डिस्क्रीट दो ग्रुप होते हैं और जैसा बार डायग्राम बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, उतना डिस्प्ले नहीं करता, लेकिन फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन दो ग्रुप्स का फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें बताता है। इसके बाद ग्राफ के क्या क्या उपयोग हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं वो हम जो ये लेक्चर शुरू किए थे उससे लेके अब तक हमने एक एक करके डिस्कस किया है। जैसे ऑर्गेनाइज करता है ये हमारे डेटा को, ईजी टू अंडरस्टैंड होगा, ये हमारे डेटा को एक नया मीनिंग देता है, मीनिंग कन्वे करने में हेल्प करता है, हमें डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन पर हमें हमारे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, दो डेटा सेट का कंपैरिजन एक व्यू में हमें आसानी से बताता है, हमारी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत उपयोगी है, हम आसानी से अपना डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद ये हमें डेटा एनालिसिस में भी ईजी करता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कशन किया और कुछ ग्राफिकल मेथड्स को हम लोगों ने डिटेल में समझा। आज की क्लास में इतना ही। हमें ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन के जो और मेथड्स हैं उनके बारे में अपना डिस्कशन जारी रखेंगे। धन्यवाद।